दोस्तों देखिए हमारा ग्रुप है, सभी दुकानदार हैं, ये हमारी दुकानें हैं। देखिए सभी लोग आगे, डॉक्टर भैया, अजय सर जी, कृष्णा भाई कैमरामैन है वो, और ये सूरज भैया एक दुकानदार हैं, ये भी टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और सूरज भैया एक रेस्क्यूअर भी हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं, सूरज स्नैक रेस्क्यूअर के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी सुझाव हो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं उसमें ही जंगल घूमने के लिए, और देखते हैं वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, और जाकर हम वहाँ पर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को लास्ट एंड तक आप बने रहें। जिला के अंतर्गत सेजम चौराहे पे पेट्रोल पंप है, रिलायंस पेट्रोल पंप, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने सफ़र में निकलेंगे। कैंस की दोस्तों गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, और हमें चलने के लिए मास्क की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बड़े ही रेस्क्यू पर। देखिए ये काफ़ी भीड़ की वजह से सभी बड़ी गाड़ियां रोक दी गई हैं, और यहाँ पर काफ़ी जाम है आगे, इसके कारण सब बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर रोक दी गई हैं। आप देख सकते हैं लाइन लगी है, यही है तरकुलहा, बहुत ही मशहूर जगह है। तरकुलहा माता का मंदिर है, बहुत ही मशहूर जगह है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है दोस्तों। ये तरकुलहा बहुत दो किलोमीटर अंदर जाने, उस गेट से आप 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मंदिर पड़ेगा, जहाँ बहुत भीड़ होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोगों को इसी तरह दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे इधर का नज़ारा। जाएगा जिनको लंबा जाना होता है अच्छी गाड़ियां से, वो लोग इसी पर चल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पर आती हैं जाती हैं, और हम लोग इसके नीचे नीचे जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखिए हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं इस वंचित इलाके में, जंगल के तरफ आ रहे हैं, और ये है हमारा नेशनल हाईवे, और देखिए हम लोग धीरे धीरे जंगल की तरफ आ गए हैं। अभी आप लोग चलिएगा और हम लोग जंगल से मिलेंगे। देखिए यही से जंगल दिखाई दे रहा है, काफ़ी हमको लगता है कि जंगल के साइड में काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण सभी जानवर ऊपर चढ़े गए होंगे। जंगल में देखते हैं क्या मिलता है क्या है। दोस्तों हम लोग जंगल में आ चुके हैं, अब जंगल में हम लोग एंट्री मारेंगे, देखते हैं कहां से अच्छा रोड मिलता है, वहीं से हम जंगल में प्रवेश लेंगे, और आप लोगों को भी जंगल का नज़ारा दिखाएंगे। ये जंगल काफ़ी बड़ा,
जंगल की लंबाई दोस्तों, हम लोग जंगल में एंट्री मारेंगे। और यह जंगल बहुत बड़ा है दोस्तों, ये जंगल यहाँ से शुरू होता है, गोरखपुर से शुरू होता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, देखते हैं हमें रास्ता मिलने ही वाला है और हम जंगल में जल्द से जल्द प्रवेश लेंगे और इस जंगल का आनंद और मज़ा आप लोगों को दोनों हम देंगे। आप लोग आनंद लीजिएगा। माना गया दोस्तों, बताया जाता है कि जंगल बहुत बड़ा है होता है, नेपाल के बॉर्डर तक ये जंगल है दोस्तों। हम लोग एंट्री मार रहे हैं जंगल में और आप लोग भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ये हुआ, कुछ सूचना यहाँ पर लिखा गया है जो कि उसका उल्लंघन नहीं करना है, नियमानुसार चलना है। अब हम लोग आ गए हैं जंगल में और देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह, कितना अच्छा नज़ारा दोस्तों। लाइफ में हमेशा टूर पर जाना चाहिए और ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ को शांति हो। बहुत आनंद आता है इस जंगल में आने, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस जंगल में घूमने के लिए और बहुत कुछ है इस जंगल में। यहाँ पर इसमें ही जंगल बहुत घना जंगल है दोस्तों। इस जंगल में सबसे अधिक सेखुए का लकड़ी पाया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर सेखुए का लकड़ी ही है। और दोस्तों सेखुए का लकड़ी सबसे मजबूत लकड़ी है, बहुत लंबे समय तक रहता है ये और बहुत पुराना जंगल है। और हमारे साथ ये रेस्क्यूअर भैया भी हैं, सूरज भैया, जो सांपों को रेस्क्यू करते हैं। अगर कोई भी जानवर कोई भी जीव हमसे मिलता है तो हम आपसे ज़रूर उसको दिखाएँगे, बतलाएँगे उसके बारे में। यहाँ से प्लेन आती है और जाती है, देखिए काफ़ी जगह बड़ा है, खाली है और प्लेन जाने का रास्ता है। इसके वजह से दोस्तों
और इस जगह को पेड़ हटाकर छोटे छोटे पौधे हैं इसमें और हटा दिया गया है और इधर प्लेन जाके उतरती है, इधर ही हवाई अड्डा है इसका, रोड आगे से दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है रोड में, आप लोग देख सकते हैं हवाई अड्डा तरफ चलती है ये सब लैंडिंग करने के लिए। जब प्लेन यहाँ से जाती है तो ये चलता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि ये सिग्नल लाइन है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी जानवर चल रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आए आज कुछ जंगल घूमने और देखिए कितनी सारी गाय हैं और भैंस भी है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने के कारण हम इसका दो पार्ट बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाएंगे, जंगल में पार्क भी है, हिरन वगैरह हैं सब, और बुढ़िया माई का स्थान भी है जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।